हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बाजीराव नर्सिंग एकेडमी। अगर वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं आज ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के बारे में। ये जो आपको दिखाई गई है इसे नाम दिया जाता है ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब के नाम से जानते हैं। कल आपने पढ़ा था एंडोट्रेकियल ट्यूब के बारे में। ये आपका ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब है जो कि ट्रैकियोस्टोमी कर दी जाती है, उसके बाद में इसको लगाना होता है। तो ये सेम आपका पायलट बलून देखने को मिलेगा। इसमें भी वन वे वाल्व इस पाया जाता है जिसमें एक स्प्रिंग पाई जाती है जो उसमें क्या कर देते हैं, जैसे आप इसको एयर को इन्फ्लेशन करोगे। देखिएगा जब मैं यहाँ से इसको प्रेस कर रहा हूँ मतलब एयर का इन्फ्लेशन हो रहा है। तो ये क्या देखने को मिल रहा है यहाँ से, ये इन्फ्लेशन तो कब का क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाता है। बात करते हैं इसके टाइप में, कफ्ड और अनकफ्ड ट्यूब देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आती है इसमें फेनेस्टेटेड होता है जिसमें पेशेंट टॉक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। तो ये आपका पायलट बलून देखने को मिलेगा। ये इसकी क्या है, ट्यूबिंग्स होती है, इसे कफ नाम दिया जाता है। ये कफ्ड होता है, कफ का सेम वही फंक्शन रहेगा। ये इसके क्या होती है, फ्लैंज आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, ये आपका अडेप्टर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको देखना है गौर से, ये इसमें क्या पाया जाता है, ऑब्टूरेटर। ये आपका एक्स्ट्रा होगा, ये आपके एंडोट्रेकियल ट्यूब में नहीं पाया जाता है, तो इसे नाम दिया जाता है ऑब्टूरेटर के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑब्टूरेटर का फंक्शन क्या होता है, तो ये बिल्कुल इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ये क्या होती है, लचीली होती है, मुड़ सकती है, इसलिए इसके अंदर जब आप ऑब्टूरेटर डाल करके इसको इंसर्ट करते हैं तो ये क्या नहीं होती है, स्टेबिलिटी इसको प्रोवाइड हो जाती है। ये मुड़ेगी नहीं, आसानी से इजीवे में ट्रकिया में चली जाती है। तो ये इसका ऑब्टूरेटर का काम क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने का रहेगा। ये बात करें तो वही आपका सेम है, 15 mm का आपको अडेप्टर देखने को मिलेगा। साइज की बात करते हैं, ट्यूब की साइज क्या है, तो ये ट्यूब की साइज आपको दिखा है दिख रहा होगा यहाँ पर कि 3.0 इंटरनल डायमीटर है इसका। आउटर डायमीटर है 4.6 और लेंथ है 40 mm किसकी लेंथ है। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है कितने के ट्यूब का कितना साइज आपको देखना है। वही सेम आपने साइज किस तरीके से लेते हैं उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट चीज़, ये आपकी क्या है, टाइस्टिंग का फ्लेंज देखने को मिलेगा। इस तरीके से ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है और यहाँ पर ला करके इस ट्यूब को इस तरीके से साइड से बांध करके, तो यहाँ पर इसमें टाइस्टिंग लगाकर इसको गले में बांध दिया जाता है। 1 से 2 फिंगर ब्रेड्थ आपकी क्या होनी चाहिए, लूज होनी चाहिए, तो इसलिए क्या नहीं होगा आपका, कंप्रेस नहीं होगा। ज़्यादा लूज भी नहीं रखनी है, अगर ज़्यादा लूज रखोगे तो भी क्या हो जाएगा, ये वाला आपका कप निकल करके डिसलॉजमेंट हो सकता है। तो कफ का क्या फंक्शन देखा था आपने, देखिएगा कफ को गौर से, जब इसमें आप इन्फ्लेशन करोगे तो इन्फ्लेशन के दौरान इस तरीके से कफ होता है वो इन्फ्लेट हो जाएगा, जिसका फंक्शन क्या होता है कि ये आपका बाहर निकलने नहीं देगा। एक तो एक्सीडेंटल रिमूवल को प्रिवेंट करता है, दूसरा एयर का लीकेज नहीं होना तो होगा तो पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन जाएगा, तीसरा होता है कि ये आपका एयर सील टाइट वैक्यूम बना देगा, एयर सील टाइट तो लीकेज को प्रिवेंट करेगी। ये सभी इसके देखिएगा, ये यहाँ पर भी इसका लिखा हुआ रहता है। तो कफ पे आपका जो ट्यूब होती है यहाँ पर लिखा होता है और जो आपका पायलट बलून होता है उस पर भी इसकी साइज होती है। तो मेनली आपको इंटरनल डायमीटर को यूज करना है, तो ये आपका इंटरनल डायमीटर है 3.0 mm का। तो ये आपको ट्यूब के साइज के अकॉर्डिंग ध्यान रखना होता है। ट्यूब अलग अलग साइज की होती है। कफ का आपने पढ़ा था कि किस में यूज किया जाता है, अडल्ट में यूज करते हैं, अनकफ ट्यूब होती है उसका यूज किया जाता है बच्चों में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सभी साथियों तक इसे शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली आपकी बिल्कुल है एग्जाम में, बिल्कुल अगर आप नॉर्सेट की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल 100% यहाँ से क्वेश्चन है बनाए जाते हैं। ट्रैकियोस्टोमी का क्या यूज होता है, तो जब भी आपका अपर एयरवे में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो डायरेक्टली ट्रेकिया में इंसिजन लगा दिया जाता है। मोस्ट कॉमनली कहाँ पर लगाते हैं, आंसर जाएगा सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के बीच में इंसिजन लगा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है अपर रिंग किसे कहते हैं, अपर रिंग ट्रेकियोस्टोमी का मतलब है फर्स्ट और सेकंड ट्रेकियल रिंग में करते हैं, लोअर रिंग का मतलब होता है थर्ड और फोर्थ में करते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा जाएगा तो फिर आपको आंसर देना है कि ये किस में किया जाता है, सेकेंड और थर्ड के बीच में किया जाएगा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में बनाए जाते हैं। आई होप बिल्कुल आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल इसे शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक, अपने सभी दोस्तों तक। तो बिल्कुल बाय बाय, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।